मैंने जस्ट 85,000 के अंदर वो वीजा कैसे लिया है, ठीक है। मैं न्यू ईयर के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, इसी मंथ की मेरी फ्लाइट है, ठीक है, और मेरा फ्रेश पासपोर्ट है। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो वीजा कैसे हासिल किया है, वो सारी कहानी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे जनाब। आज आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था वो पुर्तगाल को लेकर थी जनाब, ठीक है। देखिए पुर्तगाल के इस टाइम चांस बहुत ब्राइट है, अगर आप लोग न्यू ईयर के लिए वहां पे वीजा एप्लीकेशन डालते हैं तो वहां पे आपका एक्सेप्टेंस रेट जो सा है वो 110% गारंटी के साथ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो लोग हैं, दोनों का वीजा उन्होंने सेम डे डाला है और दोनों का वीजा लगा है, ठीक है। आप लोग वीजा डालें, ठीक है, यूरोप शेंजन कंट्रीज में, यूरोप में नहीं शेंजन कंट्रीज में, अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है, आप शेंजन कंट्रीज में एंट्री लेना चाहते हैं लीगल तरीके से, ठीक है। देखिए शेंजन कंट्रीज में लीगल तरीके से एंटर लेने के बाद अगर आप पुर्तगाल चले जाते हैं तो आप लोग वहां पे स्टे कर सकते हैं, 5-6 साल बाद आप लोगों को पासपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। देखिए पुर्तगाल के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि पुर्तगाल का जो पहले सीन था कि कितने टैक्स पड़ते थे, 3 पड़ने हैं 4 पड़ने हैं, आप सिर्फ 2 टैक्स पड़ते हैं, ठीक है, 6 महीने का और 1 साल का, वो भी आप लोगों के पास जिधर आप जॉब करते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मतलब कि आप टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं 2-2.5 साल लग जाते हैं टीआरसी मिलते मिलते, ठीक है। टीआरसी मिलने के बाद आप लीगली काम कर सकते हैं, फिर आप लोगों को जाके पासपोर्ट वाली साइड पे आप 5-6 साल बाद जाके आते हैं, ठीक है। जल्दी ये इतनी जल्दी भी नहीं होता है जितना आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग पुर्तगाल जाते हैं और हमें जल्दी पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। पुर्तगाल बहुत अच्छा है, वहां पे मतलब के जो एरियाज हैं, ठीक है, वो ज्यादातर वहां पे पाकिस्तानी, इंडियन, ठीक है, बांग्लादेशी, ये लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को जॉब का ज्यादा मसला नहीं बनता है, जॉब इजीली मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। जॉब के बारे में और वेजेस के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जॉब वहां पे अगर आप सिंगल बंदा वहां पे रहता है उसकी अगर फैमिली को वो सपोर्ट करना चाहे तो वो फैमिली को सपोर्ट से मुराद ये है कि माँ बाप को पीछे पैसे भेज सकता है अगर वो 1-1.5 लाख कमाता है वहां पे सर्वाइव करने का। मैं तो वेजेस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो घर जरूर भेजे पैसे, क्योंकि आप मेहनत करने के लिए घर वालों को सेटल करने के लिए वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो उधर ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा पैसा कमाएं, कोई स्किल सीख लें, वहां पे आईटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा जॉब है, इसलिए इंडियंस को वहां पे काम जल्दी मिल जाता है क्योंकि आईटी का स्किल इंडियन के पास बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे भी वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। पढ़े लिखे बंदे की, स्किल्ड वर्कर की वहां पे हर मुल्क में हर वक्त जरूरत रहती है, ठीक है। काफी लोग ये बात करते हैं कि मैं क्यों नहीं जाता बाहर, देखें मेरा भी प्लान है, ठीक है, मैं आप लोगों से सारी वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, कि मैंने जस्ट 85,000 के अंदर वो वीजा कैसे लिया है, ठीक है। मैं न्यू ईयर के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, इसी मंथ की मेरी फ्लाइट है, ठीक है, इंशाल्लाह इसी मंथ आप लोगों से मेरे वहां के व्लॉग्स वगैरह भी मैं इस पर डालूंगा, ठीक है, उनका पूरा टूर दूंगा आप लोगों का। और मैं अच्छी कंट्रीज में जा रहा हूँ, मैं गरीब मुल्कों में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं अरब वाली साइड पर नहीं जा रहा, मैं अच्छी कंट्री में जा रहा हूँ, ठीक है। ये सरप्राइज है, ये आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो वीजा कैसे हासिल किया है वो सारी कहानी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और मैं किधर जा रहा हूँ वो सवालिया निशान है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है, जो गेस करेगा उसके लिए एक पर्सनली एक प्यारा सा गिफ्ट भी मैं अरेंज करूंगा और उसको उसके दिए हुए पते पे भेजूंगा भी सही, जिसने सही गेस कर लिया। तो इस टाइम न्यू ईयर को लेके ज्यादातर पुर्तगाल की ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट है, ठीक है। पुर्तगाल अप्लाई करें, स्पेन अप्लाई करें, इटली अप्लाई करें, ठीक है, मतलब कि पुर्तगाल 100% है, बाकी स्पेन, इटली, जोन से जर्मनी वगैरह है, यहाँ पे भी वीजा रेशो अच्छी है, नॉट टू हाई लेकिन अच्छी है, आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना फ्यूचर वहां पे जाके अच्छा और सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जर्मनी की जहां तक बात है कि जर्मनी अगर आप कहते हो कि मैं जर्मनी रह के वहां पे ये पासपोर्ट लूं तो जर्मनी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको 2 सूरतों में मिलता है, या तो आपकी शादी हुई भी हो, ठीक है, या फिर आप उधर किसी वर्क वीजे पे हो, वर्क वीजा आप मतलब एक्सटेंड करा के आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो फिर जाके आप लोगों को मिलता है। उसके लिए आप लोगों को जुबान सीखना बहुत जरूरी है, उसके अलावा वहां पे अगर आप जुबान नहीं सीखते गवर्नमेंट खुद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाती है जो आपको जर्मन जुबान सिखाई जाती है। जुबान के बगैर जर्मनी में आप लोगों का कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है, आपको जुबान आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पुर्तगाल बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहां पे कम्युनिटी जोन से है वो पाकिस्तानी इंडियन की ज्यादा है, तो इस वजह से आपको वहां पे कई ऐसी मतलब के प्लेसेस होती हैं, वहां पे मतलब के कोई ऐसे वेयर हाउसेस होते हैं, कई वहां पे ऐसे फार्म वर्कर्स होते हैं, तो वो वहां पे इंडियन जो पाकिस्तानी ज्यादा चला रहे होते हैं, आपको उधर इंग्लिश का या पुर्तगीसी का मतलब जो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें इतना मसला नहीं बनता, मतलब लैंग्वेज आप लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है पुर्तगाल, पुर्तगाल जाएं, वहां पे फ्यूचर स्केयर करें, 5-7 सालों में आप लोगों को वहां पे पासपोर्ट भी मिल जाता है, 2 साल में टीआरसी मिलने के बाद आप वहां पे लीगली इजी मतलब ये लीगल काम तो आप ऐसे भी टीआरसी के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन टीआरसी मिलने के बाद आप लोगों की थोड़ी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो जाती है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।